हल्दीराम की मिठाइयां और नमकीन तो खाई है ना, जरूर खाई होंगी, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हल्दीराम का फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या रहा होगा? तो देखो, हल्दीराम को 1937 में बीकानेर राजस्थान में मिस्टर गंगा भिसेन अग्रवाल ने स्टार्ट किया था, जिनको उनकी माँ प्यार से हल्दीराम कह के बुलाती थी। अब हल्दीराम एक प्राइम एग्जाम्पल है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सिर्फ इंडिया में ही होती है, ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे बिजनेस करने वाले लोग एक फैमिली के ही होते हैं और इस बिजनेस की मेंबरशिप मिलती है उस फैमिली में जन्म लेने से। बिजनेस को कंट्रोल करने वाला और चलाने वाला यहाँ पे एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, जिसको हम कर्ता बोलते हैं। अब सारे के सारे मेंबर्स का बिजनेस की प्रॉपर्टी पे इक्वल ओनरशिप राइट होता है, जिनको हम को पार्टनर्स भी कहते हैं। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के फीचर्स और बाकी के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जानने के लिए नीचे क्लास 11 का चैप्टर 2 वन शॉट सेशन टैग्ड है, उसको फटाफट से जाके कवर कर लो।